नमस्कार, मैं हूँ दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 6 जून, दिन गुरुवार। खबरों के बनने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज है वट सावित्री का व्रत। बिहार के स्कूलों के टाइम टेबल में 9 जून से होगा बदलाव। राष्ट्रपति और पीएम समेत कई वीआईपी के लिए बिहार से भेजा गया जर्दालू आम। 50,000 का इनामी शराब माफिया हुआ गिरफ्तार। ऐसे अपने ट्रेन का रनिंग स्टेटस करें चेक। भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले से पहले पूर्व क्रिकेटर का बयान आया सामने। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आईडीबीआई बैंक में ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार जल्द करे आवेदन। आईडीबीआई बैंक द्वारा एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 160 पदों पर आई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट idbibank.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 जून है। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर होगा। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। आज है वट सावित्री का व्रत। आज प्रदेश में कई जगहों पर वट सावित्री का व्रत और शनिवार की जयंती मनाई जाएगी। इस व्रत को लेकर पंडित सूरज भारद्वाज ने बताया है कि इस दिन सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु, चंद्रमा वृष राशि में भ्रमण कर रहे हैं और शनि स्वगृही होकर कुंभ राशि में भ्रमण कर रहे हैं। ऐसे अद्भुत संयोग में भगवान शनिदेव की जयंती भी मनाई जाएगी। आपको बता दें कि विवाहित महिलाएं वट सावित्री का ये व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस व्रत से पति के जीवन की परेशानी दूर होती है और दंपति को पुण्य मिलता है। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र के बारे में। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना बिहार भारत में एक विज्ञान संग्रहालय है, जिसका नाम बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा के नाम पर रखा गया था। इसका उद्घाटन 14 अप्रैल वर्ष 1978 को शिक्षा मंत्री श्री ठाकुर प्रसाद सिंह ने किया था। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की एक इकाई बनाता है। ये गांधी मैदान के दक्षिण पश्चिमी कोने में स्थित है। ये पूरे बिहार राज्य का पहला क्षेत्रीय स्तर का विज्ञान केंद्र है। इस विज्ञान केंद्र में आपको कई अद्भुत चीजें देखने को मिलेंगी। अंदर की तरफ आपको मनोरंजन से भरपूर खेलों के लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। औद्योगिक इकाइयों को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने पौधारोपण का दिया निर्देश। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने प्रदेश के 130 औद्योगिक इकाइयों के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। दरअसल प्रदेश के इन औद्योगिक इकाइयों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस पर आम, जामुन, पीपल और नीम के पौधे लगाएं। कम से कम 200 पौधे हर औद्योगिक इकाइयों को लगाने के निर्देश दिए गए हैं। आपको मालूम हो कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 26,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे अपने ट्रेन का रनिंग स्टेटस करें चेक। अधिकतर लोगों के सफर का पसंदीदा माध्यम ट्रेन रहता है। ट्रेन से लाखों की संख्या में लोग यात्रा भी करते हैं, लेकिन कई मौकों पर हम देखते हैं कि ट्रेन अक्सर लेट पहुंचती है। ऐसे में समय पर ट्रेन के नहीं पहुंचने के कारण हमें समझ नहीं आता कि आखिर ट्रेन कहाँ तक पहुँची है। यदि आप भी ट्रेन से यात्रा करते हैं और आपकी ट्रेन कहाँ है इसे आप ट्रैक करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। आपकी ट्रेन कहां तक पहुंची है इसकी जानकारी के लिए आपको भारतीय रेलवे के नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम के आधिकारिक वेबसाइट https://inquiry.indianrailway.gov.in/mnTES पर जाना होगा। यहां आकर आप अपने ट्रेन का नंबर या नाम दर्ज करेंगे, फिर अपने जर्नी डेट चुनेंगे। जैसे ही आप डेट को सिलेक्ट करेंगे वैसे ही आपके सामने ट्रेन का रनिंग स्टेटस आ जाएगा। सीएम नीतीश के डिप्टी सीएम बनने की चर्चाओं के बीच जदयू का ऐलान। इन दिनों नीतीश कुमार को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कहीं इनके इंडिया गठबंधन में फिर से वापस जाने की बात कही जा रही, तो कहीं इनके डिप्टी पीएम बनने की खूब चर्चा देखने को मिल रही है। अब इसी बीच जदयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के इलेक्शन रिजल्ट ने 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया है। 2025 का चुनाव बिहार में सीएम नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। मालूम हो कि 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले।
तेजस्वी ने बिहार को किंग मेकर बताते हुए कर दिए मांग। तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में उन्होंने कहा है कि बिहार किंग मेकर बना है, इसलिए बिहार में बेरोजगारी हटाने और पलायन रोकने व उद्योग धंधे लगाने के लिए कुछ समर्थन चाहिए, जिसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना, देश भर में जातिगत जनगणना कराना, महागठबंधन सरकार द्वारा बढ़ाए गए 75% आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में डालना जैसे मांग शामिल। बिहार के स्कूलों के टाइम टेबल में 9 जून से होगा बदलाव। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की छुट्टी पर जाने के बाद बिहार के शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। 9 जून से राज्य के सभी स्कूलों में टाइम टेबल बदल दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने सभी जिलाधिकारियों से राय मांगी है। नए टाइम टेबल के अनुसार स्कूल सुबह 6 बजे से 11:30 बजे तक या फिर सुबह 7 बजे से दोपहर के 12 बजे तक चलेंगे। ये बदलाव 9 जून से पूरे महीने तक लागू रहेंगे। फिलहाल बिहार में बढ़ते तापमान और लू को देखते हुए 8 जून तक स्कूल बंद है। पीएम मोदी ने आखिरी कैबिनेट बैठक में अपने मंत्रियों को कही ये बात। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट सामने आते ही एनडीए ने दिल्ली में अपनी अहम बैठक कैबिनेट बैठक बुलाई थी। इस बैठक में कई मंत्री और कई सहयोगी शामिल रहे। इस बैठक के दौरान पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को खास टिप्स दिए और चुनावी परिणाम को देखकर कुछ अहम बातचीत की। इस बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हार और जीत तो राजनीति का हिस्सा है, नंबर गेम तो चलता रहता है। सत्ता और संगठन हर जगह जनता की उम्मीदों पर खड़े उतरे हैं और आगे भी उतरेंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने सहयोगियों से कहा कि आप सभी ने अच्छे से काम किया है और बहुत मेहनत की है। आपको बता दें कि पीएम मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। आपको बता दें कि एनडीए 7 जून को राष्ट्रपति से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। उम्मीद है कि 8 जून को फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के लिए शपथ ग्रहण करें। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे रघुवंश प्रसाद सिंह के बारे में। ये एक भारतीय समाजवादी राजनीतिज्ञ थे। इनका जन्म आज के दिन वर्ष 1946 में बिहार के वैशाली में हुआ था। लोग इन्हें आज भी मनरेगा के निर्माता और एक दुर्लभ बेदाग राजनेता के रूप में जानते हैं। इन्होंने बिहार में समाज के वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए आवाज़ उठाई थी। रघुवंश प्रसाद सरकार की तानाशाही के खिलाफ जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार आंदोलन में शामिल हुए थे। चुनाव में पिता की जीत के बाद सोनाक्षी सिन्हा की प्रतिक्रिया आई सामने। शॉर्ट गन से प्रसिद्ध अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा इस बार लोकसभा का चुनाव आसनसोल से जीत चुके हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के पक्ष में करीब 6,05,645 वोट पड़े। अब शत्रुघ्न सिन्हा के इस जीत से उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए एक तस्वीर साझा की। इस तस्वीर में शत्रुघ्न सिन्हा जीत के सर्टिफिकेट के साथ मुस्कुराते हुए दिखे। वहीं एक और स्टोरी के जरिए सोनाक्षी सिन्हा ने आसनसोल की जनता को धन्यवाद दिया था। चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद खुद ही फ्लाइट उड़ाकर दिल्ली पहुंचे सारण प्रत्याशी। सारण से सांसद राजीव प्रताप रूडी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार अपनी जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि राजीव प्रताप रूडी एकमात्र ऐसे सांसद है जो सांसद के साथ पायलट भी हैं। अपनी जीत दर्ज करवाते ही राजीव प्रताप रूडी ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी। दिल्ली जाने से पहले राजीव प्रताप रूडी का पटना एयरपोर्ट पर शानदार तरीके से स्वागत किया गया। इसके बाद वे खुद ही फ्लाइट उड़ाकर दिल्ली की तरफ रवाना हुए। दिल्ली पहुंचने के बाद भी इनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। आपको बता दें कि इस बार राजीव प्रताप रूडी ने सारण से राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य को अच्छे खासे अंतर के साथ शिकस्त दी है। पहले से टीवी देखना अब हो सकता है महंगा। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो जिनको टीवी देखना पसंद होगा। जो लोग टीवी देखना पसंद करते हैं उनके लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल टीवी देखना पहले से महंगा होने वाला है। डिज्नी स्टार, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क, जी एंटरटेनमेंट और वायाकॉम 18 ने अपने रेट बढ़ा दिए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक टीवी सब्सक्रिप्शन पहले से 5-8% इजाफा हो सकता है। 90,000 अध्यापकों की नियुक्ति की बीपीएससी कर रहा तैयारी। लोकसभा का चुनाव अब खत्म हो चुका है। चुनाव खत्म होते ही कई सरकारी कामकाज को पटरी पर लाने की तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में प्रदेश में 90,000 और अध्यापकों की नियुक्ति की तैयारी की जा रही है। 27 से 30 जून तक बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा तीसरी अध्यापक नियुक्ति पुनर्परीक्षा संभावित है।
अध्यापकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग और अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग द्वारा सहमति दी जा चुकी है। बिहार लोक सेवा आयोग को विभाग ने इस संबंध में पत्र भी लिखा है। राष्ट्रपति और पीएम समेत कई वीआईपी के लिए बिहार से भेजा गया जर्दालु आम। सुल्तानगंज के महेशी का जर्दालु आम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई विशिष्ट लोगों को भेजा गया है। पिछली बार 2500 पेटियां जर्दालु आम की तैयार होने के बाद भी केंद्र सरकार तक नहीं पहुंच पाई थी, जिस वजह से कई जर्दालु आम सड़ गए थे। हालांकि इस बार भागलपुर का जर्दालु आम एकदम सही समय पर भेजा जा चुका है। बुधवार को विक्रमशिला एक्सप्रेस से करीब 2200 पैकेट जर्दालु आम दिल्ली स्थित बिहार भवन में भेजे गए हैं। आपको बता दें कि बिहार भागलपुर के जर्दालु आम को जीआई टैग भी मिल चुका है। ये आम अपने स्वाद और सुगंध के कारण लोगों के बीच लोकप्रिय है। बिहार में इन जगहों पर बारिश की है संभावना। बिहार में इन दिनों लू वाली गर्मी तो कहीं बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। प्रदेश में तो कई जगहों पर उमस वाली गर्मी देखने को मिल रही है। प्रदेश में आज सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में बारिश की संभावना जताई गई है और अन्य जगहों पर मौसम शुष्क रहने की बात कही गई है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 38 से 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। 50,000 का इनामी शराब माफिया हुआ गिरफ्तार। हाजीपुर के महुआ थाना क्षेत्र से 50,000 का इनामी अपराधी और वांछित शराब माफिया राहुल कुमार पुलिस की गिरफ्त में आया है। अपराधी का नाम राहुल कुमार सिंह है। इसे 189 लीटर विदेशी शराब के चार पहिया वाहन और चोरी के एक पिकअप के साथ पातेपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि वैशाली पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय के निर्देश पर एक विशेष टीम गठित हुई थी, जिसके बाद इनामी शराब माफिया को गिरफ्तार किया गया है। सीबीएसई ने एक सेक्शन में अधिकतम बच्चों की संख्या में किया संशोधन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा एक क्लास में अधिकतम बच्चों को लेकर एक नोटिस जारी किया गया है। जारी हुए इस नोटिस के मुताबिक सीबीएसई स्कूल के किसी भी क्लास के एक सेक्शन में अधिकतम 45 बच्चे बैठ सकते हैं। आपको बता दें कि पहले प्रति सेक्शन में बच्चों की संख्या 40 थी, जिसके बाद नियम में संशोधन करते हुए संख्या को 45 कर दिया गया है। नोटिस के मुताबिक माता पिता के स्थानांतरण के कारण बीच सत्र में कक्षा में शामिल होने वाले छात्रों, आवश्यक रिपीट श्रेणी में छात्रों के मामलों को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने मध्य सत्र, दोहराई गई श्रेणी के छात्रों को समायोजित करने के लिए छात्रों की संख्या को 40 से 45 कर दिया है। अखिलेश सिंह ने बताया बिहार में अधिकतर सीटों पर कांग्रेस की हार के कौन लोग हैं वजह। बिहार में कांग्रेस लोकसभा का चुनाव 9 सीटों पर लड़ रही थी, लेकिन उसे सफलता केवल 3 सीटों पर ही मिली है। अब चुनाव में कांग्रेस को मिले इस परिणाम के बाद प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने चुनाव में पार्टी विरोधी काम किया है उन पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों ने कांग्रेस में रहकर विरोधियों की मदद की। पार्टी ऐसे लोगों की जांच करवा रही है। ऐसे लोगों की पार्टी में कोई जगह नहीं है। पार्टी को कमजोर करने वाले लोगों को पार्टी से हटाया जाएगा। पाटलिपुत्र सीट से मिसा भारती से मिली हार के बाद रामकृपाल यादव का ट्वीट। इस बार के लोकसभा चुनाव में पाटलिपुत्र सीट से राजद की तरफ से महागठबंधन प्रत्याशी मिसा भारती को कामयाबी मिली है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव को सीट से हार का सामना करना पड़ा है। अब इस हार के बाद बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव का एक्स पर एक ट्वीट सामने आया है। इन्होंने लिखा है कि लोकतंत्र में जीत या हार से ज़्यादा मायने रखता है जन जन से मिला स्नेह और आशीर्वाद। पिछले 10 वर्षों तक आपकी सेवा में लगातार जुटा रहा और आपका स्नेह मुझे लगातार मिलता रहा। आगे भी आपका सेवक बनकर आपकी सेवा में जुटा रहूँगा। मेरे सभी परिवारजनों का हृदय से आभार एवं धन्यवाद। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक हुआ था। आज के दिन वर्ष 1981 में बिहार की बागमती नदी में एक ट्रेन गिरने से कई लोगों की जान चली गई थी। ये देश के सबसे बड़े ट्रेन हादसों में से एक माना जाता है। आज के दिन वर्ष 1997 में बैंकॉक में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड ने बिस्टेक नाम के आर्थिक सहयोगी समूह का गठन किया था। आज के दिन वर्ष 2005 में ईरान गैस पाइपलाइन योजना पर भारत और पाकिस्तान में सहमति बनी थी।
भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले से पहले इस पूर्व क्रिकेटर का बयान आया सामने। 9 जून को टीम इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान से होने वाला है। अब इस मुकाबले से पहले पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर और वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी के एम्बेसडर शाहिद अफरीदी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 9 जून को भी जो टीम अच्छे से प्रेशर हैंडल करेगी वहीं जीतेगी। अमेरिकी जो अभी टूर्नामेंट के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान का खेल सुपर बाउल जैसा है। मुझे भारतीय टीम के खिलाफ खेलना पसंद था। मेरा सच में मानना है कि ये खेल की सबसे बड़ी राइवलरी। जब मैं उन खेलों में खेला तो मुझे भारतीय फैंस से बहुत प्यार और सम्मान मिला। ये दोनों के लिए बहुत मायने रखता है। ग्रीन जोन में बंद हुआ शेयर बाजार 2300 से अधिक अंकों के साथ उछला सेंसेक्स। बुधवार को कारोबारी सत्र के दौरान भारतीय शेयर बाजार में जोरदार उछाल देखने को मिला है। कारोबारी सप्ताह के तीसरे दिन शेयर बाजार ग्रीन जोन में बंद हुआ। 2303 अंकों की उछाल के साथ बीएसई पर सेंसेक्स 74382.24 पर क्लोज हुआ। वहीं 3.36% की बढ़ोतरी के साथ एनएससी पर निफ्टी 22625 पर बंद हुआ है। बुधवार के कारोबार के दौरान अडानी पोर्ट्स, SEZ, इंडसइंड बैंक, टाटा स्टील के लिस्ट में शामिल रहे। वहीं भारत डायनेमिक्स, GRSE, कोचीन शिपयार्ड, टीटागढ़ वैंस ने गिरावट के साथ कारोबार किया। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे इस फर्जी थंबनेल के बारे में। YouTube पर एक चैनल सरकारी खबर 21 के एक वीडियो थंबनेल में दावा किया गया है कि 1 जून 2024 से सरकार द्वारा प्रत्येक लोगों को 18,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि ये खबर पूरी तरह से फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है, इसलिए इस तरह के खबर को शेयर करने से बचें। PIB फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। चोरी हुए फ़ोन से ऐसे लॉग आउट करें ईमेल। अगर आपका स्मार्टफोन चोरी हो गया है या कहीं खो गया है और आप उसे अपने फ़ोन के सारे लॉगिन ऐप्स को डिलीट या लॉग आउट करना चाहते हैं व ईमेल को साइन आउट करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा, तो आज हम आपको बताएंगे कि ये काम आप कैसे कर सकते हैं। चोरी हुए फ़ोन से अपने ईमेल और अन्य ज़रूरी ऐप्स को लॉग आउट करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना कोई आपका गलत फ़ायदा भी उठा सकता है। अपने ईमेल को लॉग आउट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ईमेल में जाना होगा, फिर टॉप राइट कॉर्नर पर दिख रहे प्रोफाइल फ़ोटो पर क्लिक करें, उसके बाद मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करें, उसके बाद सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखेगा, ऐसे स्क्रॉल कर नीचे आने पर योर डिवाइसेस का ऑप्शन दिखेगा, यहीं पर आपको मैनेजर ऑल डिवाइस का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ आने के बाद आप चोरी हुए या दूसरे डिवाइस से अपने ईमेल को आसानी से लॉग आउट कर सकेंगे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे ज़रूरी सवाल पूछेंगे, उसका जवाब बताएंगे, जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वायसराय के कार्यकाल में की गई थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड वेलिंगटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड एडविन, ऑप्शन सी है लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसका सही उत्तर है लॉर्ड एडविन। सुभाष चंद्र बोस ने टाइगर लीजन नामक संगठन किस देश ने गठित किया था? ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी इटली। इसका सही उत्तर है जर्मनी। निम्नलिखित में से किसे बिहार का गांधी कहा जाता है? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है बाबू कुंवर सिंह, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी है सीलभद्र यागी। इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गुट निरपेक्ष आंदोलन के पहले महासचिव कौन थे? ऑप्शन ए है गमाल अब्दुल नसीर, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है जोसेफ बेरोज टीटो, ऑप्शन डी है सुकर्णो। इसका सही उत्तर है जोसेफ बेरोज टीटो। किस वेद में बिहार के निवासियों को कीकट कहा गया है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद, ऑप्शन डी अथर्वेद। इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अभिषेक, राम बाबूदास, परशुराम सिंह, भरत प्रसाद, संजय कुमार शर्मा,
दिनेश कुमार, रिंकी कुमारी, गुनर शर्मा, सिकारानी, रघुवीर, फेकन यादव, सोनू कुमार, लाल बाबू कुमार, अतीक खान, प्रियांत, मंजीत यादव, मोहम्मद साकिर हुसैन, कृष्णा प्रसाद, अजीत कुमार, साधना देवी। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, T20 विश्व कप में भारत का प्रदर्शन आपके मुताबिक कैसा रहेगा? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।